Good morning, everybody. We will understand next chapter, the need of parliament. It is very important. Please listen carefully. बेटा ये चैप्टर हमने शुरू कर दिया, बट हिस्ट्री के चैप्टर छोड़ दें, ज्योग्राफी के चैप्टर, अब हम सिविक्स के चैप्टर पढ़ रहे हैं, या ये कहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये थर्ड चैप्टर है आपके पास, आपकी बुक में। ये हमने इसलिए स्टडी कर रहे हैं पहले, फर्स्ट टाइम, मैंने इट मीन्स दूसरे चैप्टर को छोड़ करके, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी 24th का जो एग्जाम है कॉम्पिटिशन का, उसके अंदर आना है। इट्स ओके, तो आप लोग इसमें स्टडी ध्यान से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ आएगा कि इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, आपके मम्मी पापा इसके अंदर वोटिंग करते हैं, उनका क्या राइट्स है, उनके द्वारा वोट का क्या इफेक्ट है, और हमारे लिए जो नए नए कानून बनाते हैं, कभी लॉकडाउन कर देते हैं, कभी बाजार को शटडाउन कर देते हैं, इट मीन्स बंद कर देते हैं, कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी इनकम टैक्स लगा देते हैं, कहीं जीएसटी लगा देते हैं, कहीं स्टेट का पार्टीशन कर देते हैं, कहीं जम्मू कश्मीर के जैसे स्टेट में 370 आर्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। ये सारा सिस्टम कैसे होता है, कौन करता है इसका, उन्हें सभी की जानकारी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में इसके चैप्टर्स, इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस भी आप पूछे जाते हैं, आप भी जो कंपटीशन है उसमें तो आएगा ही, बट आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर जीके आती है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंस समझते हुए ध्यान से इसकी स्टडी करें। अब पार्लियामेंट होती क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों है, वहां से स्टडी कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट के फीचर्स बता रहे बेटा, देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर जो रूलिंग सिस्टम है वो कैसा है। तो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी होता है, एक मोनार्की सिस्टम होता है, और एक मिलिट्री का होता है, जिसको मिलिट्री राज बोलते हैं, यानी कि आर्मी के पास पावर चली जाती है, और जो जहां का राजा होता है वो मोनार्की सिस्टम बोल देंगे, और जहां पार्लियामेंट होगी, इट मींस इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन में हर आदमी उसमें पार्टिसिपेट करके वोटिंग करके अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, उसको हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहेंगे। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के बारे में भी स्टडी करेंगे, सिर्फ मैं एक लाइन में आपको इसकी डेफिनेशन बता रही हूं। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज द इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। इट मीन्स ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी हुई हो, लोगों के लिए हो, और उन्हीं में से किसी भी आदमी को गवर्नमेंट में भेज दिया जाता है, उसको हमें डेमोक्रेसी कहेंगे। यानी कि गवर्नमेंट जब इलेक्टेड हो जाती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके लोग अपनी गवर्नमेंट को बनाते हैं, उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे। तो हमारी इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी सिस्टम है, इसलिए पार्लियामेंट की, इसकी पार्लियामेंट की हमें काफी जरूरत है। पार्लियामेंट के फीचर्स में आपको पढ़ा रही बेटा, फीचर्स ऑफ ए पार्लियामेंट। फर्स्ट, इट हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, सेकंड फीचर है, पार्लियामेंट हैज पॉलिटिकल अथॉरिटी
for the making of love. It has political authority. Third, it is supreme lawmaking body. ये थी इंडियन पार्लियामेंट के फीचर. इट मीन्स इंडियन पार्लियामेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है और कानून बनाने के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी इसी के पास होती है, इसलिए इसको सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी भी बोलते हैं. ओके, ये पार्लियामेंट के फीचर है बेटा. अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे Why should people decide parliament? क्योंकि पार्लियामेंट के डिसाइड, पार्लियामेंट के लिए डिसाइड क्यों करना चाहिए पीपल्स को, या लोग पार्लियामेंट को लाइक क्यों करते हैं. देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है यहां इंडिया में एंट्री करती है उस टाइम पे हमारे पास मोनार्की सिस्टम होता है, और मोनार्की सिस्टम होने से की वजह से इंडिया को यही नहीं पता था कि हमारी बाउंड्री कहां तक है, हमारे पास रूलिंग सिस्टम क्या है. जब एक राजा दूसरे पे अटैक करता तो उसकी पॉलिसी चेंज हो जाती, उसकी करेंसी चेंज हो जाती, उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती. ऐसे करके किसी को फिक्स ना तो अपनी लैंग्वेज का, ना रिलीजन का, ना ही बाउंड्री का, और ना ही नेशनलिज्म का पता था. जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां एंट्री करती है तो उस कॉलोनियल पीरियड के समय भी इंडिया के लोगों को काफी हरासमेंट मिलता है. दे वॉन्टेड टू एस्केप इट्सेल्फ by the ruling system, so they wanted to take care by the parliament. किससे? वो पार्लियामेंट से ही अपनी सिक्योरिटी जा रहे थे, अपने आप को बचाने के लिए. जो एक्सप्लोटेशन उनका हो रहा था पीछे, जो राजाओं ने उस टाइम पे उनका जो परेशान किया था, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उनको तंग किया था, उन सभी से बचने के लिए हमारे इंडियंस ने पार्लियामेंट के लिए डिसाइड किया था कि पार्लियामेंट होने चाहिए. पार्लियामेंट के लिए 1857 के अंदर, 1857 नहीं बेटा 1885, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी. और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्ट पास किया था 1909, ये हमने हिस्ट्री के चैप्टर में स्टडी की थी. इस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इंडियंस लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिल जाता है. ओके, बट उनके पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इट मीन्स
बिना किसी प्रॉब्लम के सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार, जिसमें एक फिक्स एज होती है और उस एज को पार करने के बाद सभी को वोट डालने का राइट मिल जाता है, तो उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। बट ब्रिटिश इंडिया कंपनी डिड नॉट प्रोवाइड दिस राइट्स फॉर एवरी सिटीजन ऑफ ए इंडिया। ये तो था बेटा कि हमें ये डिसाइड क्यों करना चाहिए कि हमारे पास पार्लियामेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारे इंडियंस लोगों ने जो भी प्रॉब्लम फेस की थी उन सभी का सॉल्यूशन एक ही था कि गवर्नमेंट को अगर हम इलेक्ट करके भेजते हैं तो वो गवर्नमेंट हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारे फेवरेबल काम करती है, वो हमारे सपोर्ट करती है, अन्यथा वो डरती है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो विनर है नहीं हो पाएगी, इसलिए वो डिसाइड करना चाहिए उनको, यानी कि वो इसी बात को लेकर के ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास पार्लियामेंट होनी ही होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। देखिए बेटा, पार्लियामेंट हैज टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, बट उसके दो हाउसेज के साथ प्रेसिडेंट का रूल्स इसके अंदर होता है, उन सभी को मिलाकर के पार्लियामेंट बनती है। तो इसके अंदर कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल, इसका दूसरा नाम क्या देंगे, हाउस ऑफ द पीपल। और राज्यसभा का दूसरा नाम देंगे काउंसिल ऑफ स्टेट। ये नाम कब दिया गया, इट मीन्स हमारे पास जो पार्लियामेंट आई है वो दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हुआ सिस्टम हमारे पास आया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में हमने स्टडी की थी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरो है, उधार लिया हुआ है। अब जो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर दूसरी दूसरी कंट्री से कुछ कुछ लेकर के उसमें लिखा गया है, उसमें शामिल किया गया है, हमने उसको एक्सेप्ट किया है। तो ये पार्लियामेंट का सिस्टम हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से ही ले लिया था, इट मींस ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने इसको अडॉप्ट किया है। देखिए हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारी पार्लियामेंट के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट 1935 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 बोल रही थी, बट उन्होंने तीन एक्ट पास किए थे जो हमने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ लिए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसका इंप्रेशन सबसे ज्यादा हमारी पार्लियामेंट को दिखाई देता है। उसी टाइम हमारे पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज बनाए थे, उसका नाम बताया था हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ ए स्टेट। आज हमने इसका नाम चेंज कर दिया, लोकसभा एंड ए राज्यसभा, इट्स ओके। इन तीनों को मिलाकर के पार्लियामेंट बनती है। देखिए इसके दो हाउसेज होते हैं, पार्लियामेंट है टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, बट पार्लियामेंट की पूरी अगर फॉर्मेशन देंगे तो उसके अंदर तीनों को इंक्लूड करके देंगे। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इट्स ओके।
पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बारे में स्टडी कर रहा है बेटा। ओके, लोकसभा दिस हाउसेज हैज इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर इट मीन्स डायरेक्टली इलेक्टेड, पीपल के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए हुए हैं, इसलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। इट हैज 550 मेंबर्स बट एट प्रेजेंट इसमें है 545। इसके अंदर लोकसभा के अंदर 550 मेंबर हो सकते हैं बट एट प्रेजेंट हमारी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 545 मेंबर। इसमें 542 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स एंड 543 इलेक्टेड, 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। दो लोगों को नॉमिनेट करता है हमारा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर यानी कि लोकसभा के अंदर, और 543 मेंबर्स इसके अंदर इलेक्ट होते हैं। ये डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, ये स्टेट से एंड यूनियन टेरिटोरीज दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, और अभी नया एक और बन गया लद्दाख। ओके, इन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज से इनको इलेक्ट किया जाता है। पूरी इंडिया को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देता है। लोकसभा की सीटें हरियाणा में 10 हैं, ये हरियाणा स्टेट है। हरियाणा स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं तो इसको 10 जगह डिवाइड कर दिया जाता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और 10, 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाती है। इसके अंदर जो भी आदमी विनर होगा, जिस भी पार्टी का आदमी विनर होगा, उस पार्टी को वो सीट चली जाती है। तो अलग अलग स्टेट में इसकी अलग अलग क्वांटिटी होती है। एमपी में सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां पॉपुलेशन की गैदरिंग ज्यादा है। हमारे पास केवल 10 सीटें हैं, 10 एमपी इलेक्ट होकर के हरियाणा से जाते हैं, कहां जाते हैं, लोकसभा, उसको बोलेंगे मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट। ओके, अब चलते हैं राज्यसभा पर। राज्यसभा में इट हैज 250 मेंबर, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली इट मीन्स हमारी जो हरियाणा गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट है, एमपी की गवर्नमेंट है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, आदि आदि जो भी स्टेट की गवर्नमेंट है, उस स्टेट की गवर्नमेंट के में बैठने वाले जो मेंबर्स हैं, जो हमारे एमएलए कहलाते हैं, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है बेटा, उसमें हरियाणा की गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर ये लोग होते हैं, ये हरियाणा गवर्नमेंट में होते हैं, जिसको हमने चुन करके भेज दिया, वो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हरियाणा गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है। इट मीन्स यहां पे प्राइम मिनिस्टर और यहां पे चीफ मिनिस्टर, मनोहर लाल खट्टर जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो यहां पे हैं,
और उसमें हमने इलेक्ट किए हुए जो लोग भेज रखे हैं वो एमएलए होते हैं। ये एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने में। इसमें 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं और बाकी 238 मेंबर हैं वो इलेक्टेड होते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड लोअर हाउस। एंड इट इज कॉल्ड अपर हाउस। ये लोअर हाउस है वो अपर हाउस है, बट इसके पास लेस पावर है और इसके पास है मैक्सिमम पावर। हाउस वो अपर हाउस बोला जाता है, ये लोअर हाउस बोला जाता है, बट पावर किसके पास होती है? लोकसभा के पास पावर होती है, क्योंकि इसके जो मेंबर हैं वो पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए हुए होते हैं। इट्स ओके, ये था इसका कंपोजिशन। अब हम पढ़ेंगे बेटा पार्लियामेंट का रोल। पार्लियामेंट का रोल क्या है, क्या काम करती है? सेलेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट, कुछ भी कह सकते हैं इसको। क्या काम करती है ये? टू सेलेक्ट द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट कह सकते हैं हम इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं या नेशनल गवर्नमेंट कह सकते हैं। वो एक होता है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है, नरेंद्र मोदी के पास पावर है, तो वो कौन सी गवर्नमेंट है? यूनियन गवर्नमेंट है, या फिर क्या कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या करती है ये? टू कंट्रोल द गाइड एंड इंस्ट्रक्शन। गाइड एंड इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन, फ्रेमिंग द लॉ, लॉ को फ्रेमवर्क देती है, लेकिन लास्ट उसका ढांचा तैयार करने का काम, उसको सही रूप शेप देने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। इट्स ओके, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ी स्टडी कर रहे हैं बेटा, उसमें हमें यह समझ में आएगा कि पार्लियामेंट में क्या काम, पार्लियामेंट में क्या क्या, कौन कौन लोग होते हैं और किस प्रकार से वो रनिंग करते हैं। तो नेशनल गवर्नमेंट के बारे में देख रहे हैं, इट हैज थ्री ऑर्गेन्स। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तीन ऑर्गेन्स होते हैं बेटा, आप यहां से देख लीजिए। फर्स्ट इसके पास होता है लेजिस्लेचर, वो हमने हरियाणा गवर्नमेंट में पढ़ी थी, वो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यहां पे लेजिस्लेचर बोलेंगे क्योंकि इसका काम भी कानून बनाना होता है। दूसरा, एक तो फर्स्ट ऑर्गेन्स ये है, इट मीन्स जैसे आपके पास ऑर्गेन्स हैं आपके हाथ पाव नाक कान आदि आदि, ठीक वैसे ही इसका भी यही काम होता है, इसके ऑर्गेन्स है ये। सेकंड ऑर्गेन्स इसका है बेटा एजुकेटिव, और थर्ड इसके पास है जुडिशरी। ओके, लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? इसका काम
लाइनेट करना होता है. इट मींस इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा आएंगे. लोकसभा में कोई भी बिल पास होता है, राज्यसभा भी उसको अप्रूवल देती है. बाद में प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है. तो वो लेजिस्लेचर का काम होता है. इट मीन्स लेजिस्लेचर क्या करते हैं, इनेक्ट द लॉ. एग्जीक्यूटिव सुनिए, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव करती है इंप्लीमेंट द लॉ. इट हैज टू टाइप्स ऑफ ए एग्जीक्यूटिव. दो टाइप्स की एग्जीक्यूटिव कौन कौन सी है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. सेकेंड, पॉलिटिकल एजुकेटिव वो होती है जो परमानेंट नहीं होती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके आती है, कुछ टाइम के लिए रहती है, बाद में वो उसका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद सस्पेंड हो जाती है. परमानेंट एजुकेटिव में आर्मी और सिपाही आते हैं, ये परमानेंट होती है. चाहे कितनी भी गवर्नमेंट चेंज होती रहे, ये कोई चेंज नहीं होते. सिपोएट मीन्स सिपाही या पुलिस कर सकते हैं. और इस सिस्टम को संभालने वाले दूसरे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो. ओके, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर. ये कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर यहां भी काम करते हैं, क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा है इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो भी मिनिस्ट्री होते हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं. यहां पे प्राइम मिनिस्टर भी होता है. तो यहां ये कानून बनाते भी हैं और बाद में इंप्लीमेंट करते हैं. उसमें काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है. एग्जीक्यूटिव दो टू टाइप्स की होती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव. परमानेंट एग्जीक्यूटिव आफ्टर इसके अंदर एग्जांपल देंगे, टाइप्स नहीं बताएंगे, इसके एग्जांपल देंगे. आर्मी पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी इसके अंदर प्रशासन कार्यों में लगे हुए हैं वो. और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जैसे हमारे पास प्रेजिडेंट है, वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर. ओके, जुडिशरी का जिक्र इसमें नहीं करेंगे, अगला चैप्टर हमारे पास आएगा उसमें हम इसकी स्टडी करेंगे. ओके.